आज हमारे मैच में एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा आया हुआ था। इसके पास न्यू वाली स्पिन की सारी स्किन्स थी और साथ ही साथ बहुत सारी अपग्रेडेबल गन की स्किन्स भी थी और हो सकता है इसके पास एक्स सूट भी हो। और उसके साथ साथ उसका टीममेट जो था वो क्रो सेट पहन के आया हुआ था और हमारी इन स्क्वाड वाले बंदों के साथ फाइट भी होती है। हम एक्चुअल में दो स्क्वाड से फाइट ले रहे होते हैं और तभी ये स्क्वाड रश कर देती है हम पे और उसके बाद जो होता है भाई आज का गेम प्ले का जो फाइट सीन होगा और जो एंडिंग होगी वो देख के आपको मजा आ जाएगा। सो स्क्वाड इंसिट्स योमा में सब स्क्वाड इज हियर, सभी लोगों का स्वागत है एक और नए कमाल के गेम प्ले में। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो और जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अब मुझे यहाँ पे SLR मिली, सामने यहाँ पे एक स्क्वाड उतर रही थी, मैंने सोचा हवा से एक बंदे को उतार देता हूँ, कूल दिखूंगा मस्त और मॉन्टाज भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाल दूंगा, लेकिन भाई कोई बंदा नॉक नहीं हुआ। मैंने वापस ट्राई किया एंड ये देखो ये लगा ये तो यही वो होता है गाइस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने वापस से ट्राई किया और भाई साहब मैंने बंदे के आसपास थोड़ा सा एम किया था और मुझे पता था कि भाई हो सकता है कि लग जाए और लग गई हेड में और बंदा हो गया नॉक। SLR का एक हेड और नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे किल फील्ड में आप लोगों ने नाम तो देख लिया होगा भाई, किल फील्ड में नाम चमकाना शुरू कर दिया था उस बंदे ने जिसके पास भाई बहुत सारी नई वाली सारी सारी आउटफिट थी और यहाँ पे हमने फ्लेयर मंगाई हुई थी, फ्लेयर हमने जस्ट लूटी थी कि पीछे की साइड से रोजॉक की साइड से एक बंदा आ जाता है यहाँ पे। अब ये बंदा यहाँ पे आके हम पे ग्रेनेड वगैरह करता है, रस करता है, मैंने यहाँ पे फिस्ट वाली टेक्निक यूज करी और इसी पे कर दिया रस। और इस बंदे को जब तक पता चलता कि भैया बंदा ऊपर नहीं नीचे है तब तक तो यहाँ पे ग्रोजा से इसकी बंदे की बना दी पेटी। अब इसकी पेटी बनाने के बाद हम लोग को ट्राई बाइसिकल मिलती है रोजॉक के साइड, वो लेके हम लोग घुमा के इधर साइड आते हैं कि हमें इधर कुछ गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो हम लोग रस करें। और तभी यहाँ पे एक और बंदे का किल फीड में नाम आया अपग्रेडेबल वाले का। भाई कितने सारे आज बंदे आप लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे गाड़ी लेके हम सीधे रस करते हैं इस वाले अपार्टमेंट में और भाई अब देखो यहाँ क्या होता है। मैंने ग्रेनेड खोला और वो बंदे यहाँ जंप कर जाते हैं नीचे। भैया दोनों बंदे जंप करके शॉट गन लेके कूदे और विक्की को नॉक कर दिया और ऑलमोस्ट फिनिश भी करने वाले। फिलहाल यहाँ पे स्मोक करके मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो भी मुझे इनके पास से सामान मिला वो लूटा और अभी भी बड़ी वाली बिल्डिंग से जो है तो फायर कर रहे थे और भी बंदे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उन बंदों पे रश नहीं कर सकते थे क्योंकि बग्घी है, बग्घी से भाई उतार देंगे वो बंदे। मैंने यहाँ पे दिया एक लंबा रोटेशन, अब राइट से अगर हम बग्गी लेके जाएंगे वो बंदा रेडी है राइट से, तो मैंने यहाँ पे भाई उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया राइट में जाके, यहाँ लेफ्ट से बग्गी मोड़ दी और जैसे यहाँ से आया भाई लेफ्ट साइड से भी फायर हुआ, राइट में भी बंदे लेफ्ट में भी बंदे, मतलब अभी भी यहाँ दो स्क्वाड थी। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले तो बग्गी से कूद के यहाँ पे नीचे आए और मैं सबसे पहले तो राइट के साइड भाग के गया, यहाँ का दरवाजा बंद किया, मेन बिल्डिंग में बंदे थे और यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे आया मुझे यहाँ खिड़की पे एक बंदा स्पॉट हो गया। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया और नॉक करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग बड़ी वाली बिल्डिंग थी वहां पे जो बंदे थे वो भाई उन्होंने अभी तक कुछ हलचल नहीं करी हमारी बिल्डिंग में ऊपर से आने का, तो हम लोगों ने ही भाई साहब नीचे से फैसला किया इनकी बिल्डिंग में जाने का। और यहाँ पे से जो फाइट सीन आज होगा भाई वो देखने के बाद आप लोग बोलोगे भैया स्वाद आ गया स्वाद। अब यहाँ बाहर से जो बंदा आया था उसकी भी हम लोगों ने पेटी बना दी और यहाँ अभी भी छत के ऊपर बंदे मडरा रहे थे। मैंने ग्रेनेड खोला यहाँ पे, एक ग्रेनेड यहाँ पे डाल दिया। अब ये बंदा पता नहीं किसे मार रहा था, किसे देख रहा था, लेकिन रेड जोन था तो मैं वेट कर रहा था कि काश रेड जोन इनके मुंह पे गिर जाए और हम लोग रस कर दे। ये एकदम टॉप पे थे लेकिन भाई रेड जोन ने धोखा दे दिया। लेकिन रेड जोन छोड़ो, यहाँ जो नीचे की साइड एक दूसरी स्क्वाड है वो देखना अभी क्या करने वाली है। यहाँ मैंने फुल कुक करके ग्रेनेड ट्राई किया कि उससे शायद नॉक हो जाए, लेकिन ज्यादा ही कुक हो गया ग्रेनेड और तबीयत अभी गाइस खराब ही है, 50% रिकवर हो गया हूँ, 50% खराब ही है, तो वॉइस ओवर करने में दिक्कत जा रही थोड़ा और सांस लेने में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए पीछे वाली टीम ने एक बंदे को हमारी छत वाले को नॉक कर दिया।
यहाँ मैंने ग्रेनेड किया, उसने भी ग्रेनेड किया और मैंने कर दिया इन पे रस। अब पता नहीं भाई ये बंदा किसको गाली दे रहा था, मुझे गाली दे रहा था या अपने टीममेट को गाली दे रहा था, मालूम नहीं मुझे। फिलहाल के नीचे वाली जो बिल्डिंग में बंदे थे उसे मैंने डैमेज किया अच्छा खासा। और यहाँ पे देख रहा हूँ भाई बहुत फनी सीन होने वाले लिटरली। अब मुझे लगा वो बिल्डिंग के यहाँ पे पीछे बंदा होगा जिसे मैंने डैमेज किया, मैंने ग्रेनेड फेंका, कोई नॉक नहीं हुआ। लेकिन जरा यहाँ पे ये सीन देखो, क्या हुआ कुछ समझ में आया? मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो बंदे थे और एक बंदा आया उसे मैंने लॉक किया, उसका जो दूसरा टीममेट था वो भाई अंदर गया और उसने दरवाजा ही बंद कर दिया गलती से और उसका टीममेट बाहर फंस गया और भाई उसकी मैंने वहीं पे पेटी बना दी। फिलहाल के लिए यहाँ पे हिल के साइड बंदे आ गए और अभी रुको जरा सबर करो। भाई ये जो डीपी वाला बंदा ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अभी हम इस नीचे हमारे जो बंदे उनसे फाइट लेंगे, हिल पे जो बंदे उनसे फाइट लेंगे, देन उसके बाद एंट्री होगी भाई 50 आरपी वाली, वो स्क्वाड जो कि भाई हेलीकॉप्टर वाला बंदा 50 आरपी के साथ वो और वही जिसका नाम आप लोगों ने किल फीड में पढ़ा उसकी स्क्वाड हम पे करने वाली है अब रस। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में एक दो बंदे बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पे सीधे रस कर दिया, अपने टीममेट्स को कॉल दिया, मुझे लेफ्ट साइड वाले जो एरिया था वहां से बंदे का फुट्स आया तो मैंने यहाँ पे इसे भर दिया और ये बंदा नहीं, ये बंदी थी तो काजल दीदी की यहाँ पे बन गई पेटी। अब इनकी पेटी बनाने के बाद हम लोग वापस से जल्दी से बड़ी वाली बिल्डिंग में जाते हैं और उसके बाद भाई यहाँ पे बस आप देखो डीपी का स्प्रेस का अब इस बंदे को जब हम मार रहे थे भाई लेफ्ट साइड से गाड़ी आ गई और ये अभी वो स्क्वाड नहीं है। आप लोग आज बोलोगे भाई कितनी स्क्वाड आने वाली है यहाँ पे, लाइक जिसने नहीं किया गाइस जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और आप लोग को बेस्ट क्लच कौन सा लगा ये भी कमेंट करके बताना जरूर। अब हिल पे जो थी वो अलग स्क्वाड थी, यहाँ जो गाड़ी लेके आया था ये बंदा उसी टीम का था या फिर अलग था हमें कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा आया हुआ था। मैंने फिस्ट वाली टेक्निक का यूज करके और नीचे आ गया इसे बिना पता लगे और ये बंदा भाई साहब जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे इन भाई की बन गई पेटी वो भी बड़े आराम से। अब ये अकेला ही था भाई लेकिन रस करने आया था तो ये पता नहीं किसका टीममेट रहा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन भाई की पेटी बनाने के बाद मैं वापस जाता हूँ छत पे हिल वाले बंदों को देखने के लिए कि अगर मैं किसी को नॉक कर पाऊँ तो हम लोग इन बंदों पे कर दे रस। लेकिन यहाँ पे सीन देखो क्या होगा, कैसा लगा गाइस स्प्रे? तो कई लोग बोल रहे थे भाई 6x 3x में तो बहुत लोग का M4 का स्प्रे अच्छा है, तो देख लो गाइस 4x में भी कैसा है M4 का स्प्रे मेरा। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया, दूसरे को मैंने डैमेज किया और सीधे मैंने यहाँ पे इस बंदे पे रस करने के लिए भाई गाड़ी लेने के लिए गया ही कि UADP वाले भैया ने नॉक कर दिया विक्की को। अब डीपी वाले को मैंने अच्छा खासा डैमेज किया। अब यहाँ पे अगर विक्की नॉक नहीं होता तो हमारा प्लान था कि हम गाड़ी ले जाके सीधे कर देंगे इन पे रस। अब यहाँ पे भाई साहब राइट साइड से स्कूल से किसी ने इस बंदे को नॉक किया, यही वो डीपी वाला बंदा था और इसकी अब मैंने किल चोरी कर लिया। अब यहाँ पे एक और बंदे को मैंने नॉक कर दिया, आई थिंक ये वही बंदा है जिसे मैंने पहले M4 के स्प्रे से नॉक किया था। अब स्कूल के साइड से बंदे भाई साहब उनको मार रहे थे हिल वालों को और यहाँ पे मैंने एक बंदे को फिनिश कर दिया था, किल चोरी कर लिया था, दूसरे को नॉक किया मैंने। तो यहाँ पे भाई ये बंदे जो है तो पूरे के पूरे वो थे और तभी AWM वाले ने किसी और बंदे को मार दिया, मतलब इस टीम का अब सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए थे। तो मैंने सीधे रस कर दिया इन बंदों पे, विकी को बोला गाड़ी लेके लेफ्ट से ऊपर जा और स्पाइडर को बोला राइट साइड से लेके जा, स्कूल वालों को डिस्ट्रैक्ट कर। भाई साहब मेरे बगल में ही लेटा हुआ था ये बंदा, क्या ही बताऊं मैं यहाँ पर का। आप लोगों को क्लच कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट्स में बताना। हिल वाले बंदों के साथ वैसे बहुत नाइंसाफी हुई है लेकिन गाइस गेम ही नाइंसाफियों वाला है।
थर्ड पार्टी करने आए थे, थर्ड पार्टी हो गए। फिलहाल के लिए यहाँ पे अब बारी थी स्कूल वाले बंदों की, तो हम डायरेक्ट अपार्टमेंट की साइड बढ़ते हैं इन बंदों को लूट वगैरह करके कि अपार्टमेंट हम वापस ले लेते हैं और स्कूल वाले बंदों से फाइट लेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ अपार्टमेंट में आते हैं हमें पता चलता है ऑलरेडी अपार्टमेंट में एक स्क्वाड आ चुकी है और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन भाई साहब ये वही स्कूल वाले बंदे थे और इन्होंने हम पे रस कर दिया था और अपना एक बंदा AWM वाला स्कूल में बैठा के आए थे कवर फायर के लिए और तीन बंदे यहाँ पे आ चुके थे और ये वही बंदे हैं अमीर पार्टी वाले बंदे जिनके पास भाई अपग्रेडेबल गन की स्किल्स है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे मैं विकी ने मुझे कॉल दिया कि भैया ये वही आउटफिट वाला बंदा है आपकी फेवरेट आउटफिट वाला, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने देखी होगी स्पिन उनको पता होगा नहीं 4 जो लड़कियों वाली स्पिन आई थी उसमें एक आउटफिट मुझे पसंद आया था काफी, तो वही आउटफिट पहन के जो स्टार्टिंग में पहना हुआ था बंदा वही इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया था रस और ये चले गए थे अब ऊपर। यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई हम लोगों ने, स्पाइडर को लेफ्ट साइड से गाड़ी लेके भेजेंगे और हम ऊपर चले जाएंगे रस करने। विक्की को मैंने 100 कॉल दिए लेकिन भाई विक्की पागल हो गया, पूरा खत्म हो गया इसका दिमाग। मैंने बोला कि भाई चल रस करने, ये ग्रेनेड कर रहा था, फिर उसके बाद बोला फूट्स दे रहा हूँ मैं उन लोगों को। मैं बोला भाई क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या? अब बोले मेरी आवाज नहीं आ रही आपको। अरे मेरी नहीं जा रही बाबू तुमको, मैं बोल क्या रहा हूँ तुम समझ क्या रहे हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे छत पे बंदे थे और मुझे लगा कि यहाँ पे भी बंदा कोई हो सकता है TPP, लेकिन मैंने राइट लेफ्ट दोनों साइड स्मोक कर दिए और ऊपर भी कर दिया एक स्मोक। अब यहाँ पे AWM से भाई स्पाइडर को उस बंदे ने डैमेज कर दिया, स्पाइडर को मैंने हिल पे भेजा था और हमें पता चल गया कि भाई ये बंदे अपना एक बंदा स्कूल पे छोड़ के आए हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्मोक किया ऊपर की साइड से ग्रेनेड किया उस बंदे ने, तो मैं यहाँ पीछे की साइड आया, मैंने ग्रेनेड खोला राइट साइड, मुझे लगा था कि ये बंदे राइट में लेटे हो सकते हैं और लेफ्ट में। मैंने यहाँ पे जैसे ही ग्रेनेड फेंका ये देखो कौन है, तो ये वही मिथिक आउटफिट वाला बंदा था। ग्रेनेड से डैमेज हुआ, मैंने सीधे कर दिया अंधा इस बंदे में पुश, एक नॉक, दो नॉक, क्या है ये, क्या है ये, क्या था ये गाइस। तो भाई यार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ये बंदों का RP वगैरह में नाम आया था और स्किल्स वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा था कि गाइस इन बंदों से तगड़ी वाली फाइट होगी। अब प्लेयर तो अच्छे थे ये, अब डोंट नो पैनिक थे या फिर थोड़ा डरे हुए थे या फिर क्या था, लेकिन भाई ये गलत चीज है यार। भाई इतने अच्छी स्क्वाड हो के आप लोग कैंप मत किया करो, वो भी ऐसी गंदी वाली कैंपिंग यार कि एक एक कोने पे बंदा बैठा हुआ है बिना फूड्स दिए। तुम चलते रहते छत पे तो उसको हम कैंपिंग नहीं बोलते, लेकिन भाई तुम लोग यार एक एक कोने पे बैठा हुआ था भाई। अब यहाँ पे भाई विक्की को फिनिश कर दिया, विक्की ने बोला भैया पैन करो इसको, पैन करो, तो मैंने बोला ले भाई चल तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ मैं। और फिर डायनेमिक भाई को, डायनेमिक राज भाई की यहाँ पे पेटी बना दी। डायनेमिक राज भाई बुरा मत मानना, लेकिन लिटरली ऐसे कैंपिंग मत किया करो यार, अच्छी स्क्वाड वाले बंदे हो यार तुम, एटलीस्ट फूड्स तो दो भाई, फूड्स भी नहीं दिया तुम लोगों ने, एक एक कोने पे बैठ गए। फिलहाल ले इस स्क्वाड के ये तीनों बंदों की पेटी बनाने के बाद अब बारी थी AWM वाले बंदे की, जो जिसको इन लोगों ने भाई यहाँ स्कूल में बैठा के आए थे कि ये इन्हें कवर फायर देगा। और अब ये AWM वाले बंदे के साथ जो होने वाला गाइस वो देखने के बाद आपको बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होगा और आप लोग अपने आप ही, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दोगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दोगे। सोचो आप लोग क्या हो सकता है, क्या करने वाला हूं मैं इस बंदे के साथ। मुझे पता नहीं वो बंदा भी यहाँ, हम लोगों ने ढूंढा वो बंदा यहाँ नहीं मिला। अपार्टमेंट के साइड बंदे दिखाई दिए, ये देखो अरे अरे प्रो प्लेयर रुको रुको, अरे रुको सौदागर भाई भाई लिटरली यहाँ पे हम अपार्टमेंट आए, अपार्टमेंट की साइड एक अलग स्क्वाड स्मोक करके जा रही थी राइट साइड के लिए। मैं राइट साइड वाले रूम में आया क्योंकि यहाँ खिड़की थी और साफ क्लियर दिखता, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे बिना फुट्स दिए भाई पूरी स्क्वाड ही कैंपर भाई, लिटरली कैंपर वो नहीं है गाइस जो एक बिल्डिंग में है ऊपर छत में मूवमेंट दे रहा है फुट्स दे रहा है, वो कैंपर नहीं, कैंपर वो है भैया। कैंपर का असली परिभाषा ये होता है बिना फुट्स दिए बैठे हो, बंदा आया उसको पता ही नहीं चला यहाँ कोई बैठा हुआ है उसको बोलते कैंपर। फिलहाल के लिए सामने बंदे को जम कर रहे थे, तो जम करके मैंने उनको बोला कि आ जाओ गाइस। और उसके बाद यहाँ पे दो स्क्वाड थी, एक सामने वाले में और एक लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ये देखो बग्घी लेके निकले। अब एक बंदे को तो मैंने बग्घी से उतार दिया और फिनिश कर दिया,
अभी लेफ्ट साइड वाला ये बग्गी वाला बंदा निकल गया था और ये हमारे जो फैन लोग थे वो भी आ रहे थे। तो आप लोग मुझे कैंपर की परिभाषा बताइए गाइस क्या होगी। मेरे हिसाब से देखो कैंपर वही है जो भाई बिना फुट दिए एक जगह पे कोने पे बैठा है और जब तुम जाओ तो बोले सरप्राइज सरप्राइज मदर और फादर आई एम हियर फॉर यू। अब आप लोग का क्या है परिभाषा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में। तो भाई क्या ही बोले भाई, क्या ही टीम थी ये लिटरली भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मतलब एक स्किन वाली टीम के साथ मुझे डेफिनेटली लगा था कि तगड़ा खेलेंगे बंदे, क्योंकि इस लॉबी में सारे बंदे भाई तगड़ा खेल रहे थे, सारे वो भी तगड़े ही बंदे थे। आई डोंट नो पैनिक थे क्या थे डोंट नो। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन बंदों से बात बात की हम लोगों ने, जोन इधर बन गया, यहाँ पे स्मोक हुआ तो मैंने गाड़ी निकाली और ये देखो ये बेचारे ओपन में थे और इनको स्मोक करके यहाँ पे लेटने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, पीछे के साइड उन लोगों ने किसी बंदे को भर दिया, फिनिश कर दिया, एक अकेला बंदा था। फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई किया कि ये जो बंदे को नॉक किया उसका टीममेट कहाँ पे है और इसका टीममेट देखना तुम लोग कहाँ पे है। मतलब पूरे की पूरे चार बंदे आ जाएंगे उस जगह से लेकिन उनको पता नहीं चला कि वहाँ पे बंदा। फिलहाल ने इसकी पेटी बनाई फिर कंफर्म किया कि गाइस तुम लोग सेम टीम में ही हो ना, चारों लोग अलग अलग टीम के तो नहीं हो, जिसको मैंने मारा उसके टीम का तो कोई नहीं है। तो ये लोग बताते हैं हम लोगों को कि ये सेम टीम के ही है चारों लोग। हमने बोला कि तुम लोग यहीं पे रुको। अब मुझे शक था कि वो बंदा या तो इस घर के रूम के अंदर हो सकता है, या तो बाउंड्री के उस साइड हो सकता है, या तो वहां पे पीछे पत्थर के पास हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ग्रेनेड किया, जब ग्रेनेड से ये बंदा नहीं फटा तो मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा यहाँ पे हो सकता है, जम करके मैंने देखा यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप लोग को दिख गया होगा शायद, अभी मुझे नहीं दिखाई दिया। और फाइनली ये बंदा स्पॉट हुआ, देखो कहाँ पे है। पैन फेंक के मारो भैया, पैन फेंक के मारो, बुली करो। तो ये बेचारा बंदा पूरा कंफ्यूज था एक्चुअल में, क्योंकि इस बंदे को 6-6 फुट आ रहे थे। तो कॉम्पी में होता है ना, एक बंदा जो आखिरी टीम का बसता है वो लेटा रहता है, बोलता है भाई मर जाओ मेरे को पोजीशन चाहिए, मैं #2 लाना चाहता हूँ या फिर #1। तो ये बंदा भी लगता है बहुत कॉम्पी देखता है और वो वेट कर रहा था भाई हम स्क्वाड एक स्क्वाड खत्म कर दे तो वो या तो मार देगा या तो मर जाएगा। लेकिन भाई वो उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये मीटअप वाले बंदे थे। और ये मीटअप वाले बंदे भी भाई साहब बड़े ही खतरनाक थे भाई, सबको सब लोग को आयुषा डॉट टू यू ऑल ऑफ यू गाइस बोलते गए कि साइबर भाई हमको अपग्रेडेबल गन से नॉक करो, किल फीट चाहिए हमको। मैंने बोला भाई ये कैसे से शौक है गाइस तुम लोग के। फिर उसके बाद यहाँ पे भाई सबकी मैंने इच्छा पूरी करी, सबको नॉक किया AWM से भाई शौक देख रहे हो, शौक बड़ी चीज है गाइस। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया गाइस जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, सबको मैं नॉक कर रहा था ठीक है। इसने बोला भैया M4 से नॉक कर दो, मैंने यहाँ पे इसे M4 से नॉक किया। फिर उसके बाद ये लोग बोलते वीडियो डालो, मैंने बोला हाँ हाँ डाल दूंगा और उसके बाद जोन हो जाता है चालू और फिर टाटा बाय बाय सायोनारा गया। क्या मीटअप स्कैम नहीं हुआ गाइस, चिंता मत करो। हमने बोला उनको कि गाइस तुम लोग एक एक किल ले लो, जोन आ गया, चिकन डिनर हम तुमको दे देंगे, आपको चिकन डिनर वगैरह नहीं चाहिए कर। फिर हम लोगों ने चिकन डिनर दे दिया, स्कैम नहीं हुआ, चिंता मत करो, अच्छे बंदे थे। तो आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में, टिल देन सायनारा, आर थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, वार्म विशेस गाइस। अभी ठीक लग रहा है थोड़े दिन में और ठीक हो जाऊंगा, फिर और अच्छे अच्छे गेम प्ले जाएंगे। आपको आज का गेम प्ले लगा कैसा एक्चुअल में मुझे बताना। और भाई वो डायनेमिक राज वाले भैया अगर आप वीडियो देखो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा पैनिक मत हुआ करो, अच्छे से खेलो यार, तुमसे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन फाइट एक्सपेक्ट करी थी, हमको लगा था तुम लोग मार भी दोगे हम लोगों को, लेकिन भाई तुमने तो भाई कांड ही कर दिया, पूरे एक्सपेक्टेशंस खराब कर दिए। बाय बाय गाइज़।